कई बार होता है ना कि हमें सब्जी समझ नहीं आता है कि सब्जी क्या बनाए, तो जब भी समझ ना है ना, तो आप ये वाला सब्जी जरूर से बनाना। सबसे पहले सोयाबीन लेंगे और उसको गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में से निकाल के अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे तेल में। और अब यहाँ पे मैंने दही लिया, दही में हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पे मीट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ी सी गर्म मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम डाल देंगे इसी में थोड़ी सी मलाई। मलाई आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ये घर की ना फ्रेश मलाई है, तो आप इस तरीके से ज़रूर से डालें। अब हम उसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च, और इसी में डाल देंगे कटी हुई प्याज, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसी में डाल देंगे सोयाबीन जो हमने भून के रखी है ना, वो वाला सोयाबीन डालेंगे। तो सोयाबीन की जब भी आप भूनते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है इसे, और बस इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसको रख देंगे मिला के 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक ये 5 से 10 मिनट होता है, तब तक हम अपना मसाला और तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया सरसों तेल, उसमें डाली मैंने जीरा, हरी मिर्च, कटी प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन। इसे भी हम काफी अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसी में डाल देंगे नमक। नमक उस मसाले में डालने से क्या होता है ना, ये टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से ना एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और भून जाते हैं जल्दी। काफी अच्छे से भून गया है, तो अब हम डाल देंगे सारे इसमें मिलाई हुई सब्जी को, और बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे खूब अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए पकते पकते ना ये तेल बिल्कुल अलग हो गया और सब्जी बन के ही तैयार है। बस अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पानी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। आप चाहे तो इससे सूखा भी बना सकते हैं। तो लग रहा है ना देखने से ही बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे ना मैंने पैन डाल ली थी थोड़ी सी, और अभी सब्जी बन के तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कीजिए।